ओम शांति। आज की तारीख है 12/9/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे विराट स्वरूप धारी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई, इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। प्रश्न दूसरा भी, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? ध्यान से सुने। उत्तर है, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम और क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। नंबर दो, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान एकमात्र सतगुरु शिव पिता का लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के आधार पर अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट के द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।